यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसका बड़ा अधिकार था, और पृथ्वी उसके तेज से प्रज्वलित हो गई। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि गिर गया, बड़ा बाबुल गिर गया है, और दुष्टात्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और एक अशुद्ध और घृणित प्राणी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। फिर मैंने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना कि हे मेरे लोगो, उस में से निकल आओ, कि तुम उसके पापों में भागी न हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ न पड़े, क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुंच गए हैं और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको भर दो, और उसके कामों के अनुसार उसे दो गुणा बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए दो गुणा भर दो। जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूं, विधवा नहीं, और शोक में कभी न पड़ूंगी। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेंगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। और पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे, और उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बाबुल, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी ही भर में तुझे दंड मिल गया है। और पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल न लेगा, अर्थात सोना चांदी रत्न मोती और मलमल और बैजनी और रेशमी और किरमिजी कपड़े और हर प्रकार का सुगंधित काठ और हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुएं और बहुमोल काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर के सब भांति के पात्र और दारचीनी मसाले धूप इत्र लोबान मदिरा तेल मैदा गेहूं गाय बैल भेड़ बकरियां घोड़े रथ और दास और मनुष्यों के प्राण अब तेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे, और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझ से दूर हुई हैं और वे फिर कदापि न मिलेंगी। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कल्पते हुए कहेंगे, हाय हाय, यह बड़ा नगर जो मलमल और बैंजनी और किरमिजी कपड़े पहने था और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था, घड़ी ही भर में उसका ऐसा भारी धन नाश हो गया, और हर एक मांझी और जलयात्री और मल्लाह और जितने समुद्र से कमाते हैं सब दूर खड़े हुए और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है, और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और कल्पते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि हाय हाय, यह बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे घड़ी ही भर में उजड़ गया। हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा पलटा लिया है। फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया कि बड़ा नगर बाबुल ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता न मिलेगा, और वीणा बजाने वालों और बजनियों और बंसी बजाने वालों और तुरही फूंकने वालों का शब्द फिर कभी तुझमें सुनाई न देगा, और किसी उद्यम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझमें न मिलेगा, और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझमें सुनाई न देगा, और दिया का उजाला फिर कभी तुझमें न चमकेगा, और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझमें सुनाई न देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थीं, और भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुओं का लोहू उसी में पाया गया।